वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली जीएसटी के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 5 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों को 1 अगस्त से ई चालान जनरेट करना होगा। 1 अगस्त से 5 करोड़ रुपए से अधिक के B2B लेन देन मूल्य वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक यानी ई चालान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। सभी B2B लेन देन के लिए कंपनियों को वर्तमान में एक इलेक्ट्रॉनिक इनवाइट जनरेट करना होगा यदि उनका वार्षिक राजस्व 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। आपको बता दें कि ई चालान शुरू में 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लागू किया गया था और 3 साल के भीतर यह सीमा अब घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय कर अधिकारियों के लिए ACES GST बैकएंड एप्लीकेशन में GST रिटर्न के लिए स्वचालित रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल शुरू किया है। CBIC के प्रदर्शन की हालिया समीक्षा के दौरान केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST रिटर्न के लिए जल्द से जल्द एक स्वचालित रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल शुरू करने के भी निर्देश दे दिए हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार B2B लेन देन के लिए ई चालान निकालने की लिमिट को पहले के मुकाबले घटा दिया गया है। पहले ये लिमिट 10 करोड़ रुपए की थी, जिसे अब घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ई चालान व्यवस्था में MSME क्षेत्र को शामिल करने से लागत कम करने, त्रुटियों को तर्कसंगत बनाने, तेजी से चालान प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने और लंबी अवधि में वाणिज्यिक विवादों को सीमित करने में मदद मिलेगी। इससे बिजनेस इकोसिस्टम को भी लाभ होगा। वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली GST के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 5 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों को 1 अगस्त से ई चालान जनरेट करना होगा। 1 अगस्त से 5 करोड़ रुपए से अधिक के B2B लेन देन मूल्य वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक यानी ई चालान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। सभी B2B लेन देन के लिए कंपनियों को वर्तमान में एक इलेक्ट्रॉनिक इनवाइट जनरेट करना होगा यदि उनका वार्षिक राजस्व 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। आपको बता दें कि ई चालान शुरू में 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लागू किया गया था और 3 साल के भीतर यह सीमा अब घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय कर अधिकारियों के लिए ACES GST बैकएंड एप्लीकेशन में GST रिटर्न के लिए स्वचालित रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल शुरू किया है। CBIC के प्रदर्शन की हालिया समीक्षा के दौरान केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST रिटर्न के लिए जल्द से जल्द एक स्वचालित रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल शुरू करने के भी निर्देश दे दिए हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार B2B लेन देन के लिए ई चालान निकालने की लिमिट को पहले के मुकाबले घटा दिया गया है। पहले ये लिमिट 10 करोड़ रुपए की थी, जिसे अब घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ई चालान व्यवस्था में MSME क्षेत्र को शामिल करने से लागत कम करने, त्रुटियों को तर्कसंगत बनाने, तेजी से चालान प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने और लंबी अवधि में वाणिज्यिक विवादों को सीमित करने में मदद मिलेगी। इससे बिजनेस इकोसिस्टम को भी लाभ होगा।